नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े प्रिडिक्शन चैनल बेटिंग गुरुजी में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में जो तीसरा T20 मैच खेला जाएगा उस मैच के ओवरऑल स्टैट्स के बारे में। बता दूं कि अभी तक दोनों टीम ने T20 के सीरीज में दो मैच खेल चुकी है, जिसमें एक मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने विन करा है और एक मैच जो है मेरे भाई वो इंडिया ने विन करा है। और लास्ट जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, जो 99 रन बनाई थी पहले न्यूजीलैंड ने, वो मैच एक धमाकेदार मैच बना था मेरे भाई। बता दूं तो मैच ये कल खेला जाएगा 1 फरवरी को, टाइमिंग इसका 7 बजे का रहेगा, शाम को 7 बजे खेला जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद ये मैच खेला जाएगा मेरे भाई। स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा पे लाइव आएगा। हमारे नाम से मार्केट में बहुत ज्यादा फेक चैनल बन गए, उनसे बचने के लिए हमारा धमाका नंबर 7201050006 को जरूर से जरूर सेव कर लेना। जो पहला T20 मैच खेला गया था उसमें न्यूजीलैंड बनाई थी पहले बैटिंग करते हुए 176 रन और इंडिया उसको चेज नहीं कर पाया था और न्यूजीलैंड जो है वो मैच जीत गई थी मेरे भाई। लास्ट मैच में 99 रन बनाया था, पिच बहुत ज्यादा स्लो डाउन था और उसको भी टारगेट चेज करते हुए लास्ट में 2 बॉल पे 3 रन आ गया था मेरे भाई। और लास्ट में सूर्या ने चौका मार के जिताया था, ये मैच भी बहुत बेहतरीन रहा था और तीसरा मैच भी धमाकेदार बनेगा। सबसे पहले जान लीजिए पिच रिपोर्ट कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का पिच रिपोर्ट कैसा है। बता दूं मेरे भाई, पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, आपको इस पिच पे 165 प्लस का स्कोर देखने को मिल जाएगा पहले बैटिंग में। बाउंसी सरफेस है तो फास्टर को मेरे भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। मल्टीपल सॉइल है, मतलब रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों के कॉम्बिनेशन से उसका पिच बना हुआ है और उसका ग्रास भी काफी अच्छा है, जिसके वजह से मेरे भाई पिच जो है स्पिन और फास्ट को दोनों को ही बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। और बता दूं मेरे भाई कि सेकेंड इनिंग में ड्यू बहुत ज्यादा आता है क्योंकि आप जानते हो कि अहमदाबाद में ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है। बात करूंगा वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो इस वेन्यू पे टोटल 6 मैच खेला गया है, 3 मैच जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 3 मैच जीती है सेकंड बैट करने वाली टीम और एवरेज स्कोर 174 का रहा है मेरे भाई। हाईएस्ट स्कोर यहां पे 224 रन का रहा है और लोएस्ट स्कोर 124 रन का रहा है। बात करूं मेरे भाई तो बिलो 150 एक बार बना है, 150 से लेकर 170 2 बार बना है, 170 से 184 1 बार बना है, 190 प्लस 2 बार बना है। मतलब देखा जाए तो बिलो 6 मैच में एक ही मैच में 150 के नीचे बना है, बाकी 5 मैचेस में मेरे भाई अच्छा स्कोर देखने को मिला है। इस मैच में भी आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। अब बात करूंगा हेड टू हेड के बारे में, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टोटल 24 मैच खेले गए हैं, जहां 13 मैच जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम और 13 मैच जो है वो इंडिया जीती है और न्यूजीलैंड जो है वो 10 मैच जीती है, तो इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा है मेरे भाई और एक मैच टाई हुआ है। बात करेंगे रिसेंट फॉर्म के बारे में, तो इंडिया का जो है वो रिसेंट फॉर्म, लास्ट मैच विन किया है उसके पहले न्यूजीलैंड से ही लॉस किया है, फिर विन है, फिर लॉस है, फिर विन है। लेकिन वहीं बात करूंगा न्यूजीलैंड के बारे में तो लॉस है, विन है, मतलब लास्ट 5 मैच से न्यूजीलैंड जो है एक मैच विन करा है, 3 मैच जो है वो लॉस करा है और एक मैच जो है वो नो रिजल्ट रहा है, टाई रहा है। अब आगे चलते हुए बात करूंगा लास्ट 10 मैचेस के बारे में, तो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में जो लास्ट 10 मैच खेला गया है उसमें से 7 मैच जो है वो इंडिया जीती है, 2 मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीती है और टाई 1 मैच हुआ है। बात करूंगा तो 4 मैच चेज हुआ है और 5 मैच डिफेंड हुआ है 10 में से। वहीं दोस्तों बात करूं जैकपॉट्स के बारे में, तो इंडिया ने 2 मैच दिया है और दोनों मैच जो है वो डिफेंड का जैकपॉट दिया है, डिफेंड का जैकपॉट दिया है। बात करूंगा न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड ने 2 मैच जैकपॉट दिया, 1 मैच डिफेंड का और 1 मैच चेज का और 4 मैच जो है वो स्ट्रेट मैच हुआ है, इस चीज को नोट कीजिएगा। अब बात करें टीम एनालिसिस के बारे में, तो इंडिया की तरफ से आपको बता दूं कि मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सूर्या और हार्दिक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और यंग टैलेंटेड प्लेयर भी बहुत अच्छा टेस्ट हो रहा है इस सीरीज में। अब बात करूं तो मेरे भाई टॉप ऑर्डर में जैसे कि गिल हो गए, त्रिपाठी हो गए और ईशान किशन हो गए, ये प्लेयर जो है वो T20 में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, ODI में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था। अभी बात करूंगा तो स्पिन जो है वो टॉप क्लास है, सुंदर और चहल और कुलदीप इन तीनों के खेलने की वजह से इंडिया का स्पिन अटैक काफी स्ट्रांग दिख रहा है और मेरे भाई टीम जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑलराउंडर डिपार्टमेंट पे, अगर ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं करती है तो टीम कोलैप्स कर जाएगी। अभी बात करूंगा न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर है चाहे वो फिन हो गए चाहे वो कॉनवे हो गए, डिवाइन कॉनवे, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। केन विलियमसन के नहीं हो जाए होने से मेरे भाई एक कैप्टनसी का बहुत बड़ा इशू निकल के आ रहा है न्यूजीलैंड के पास और एक वीक पॉइंट है न्यूजीलैंड के लिए। बात करूंगा मेरे भाई तो डिफिकल्ट जो है स्पिन खेलने में जो है वो जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन वो अच्छा स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं। उसके बाद मेरे भाई मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा वीक है, फिलिप भी अच्छा स्कोर नहीं कर रहे इस सीरीज में। फास्ट बॉलर के बारे में बात की जाए तो फास्ट बॉलर भी बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं डेप्थ ओवर में, चाहे आप फर्गुसन को ले लो चाहे आप टिकनर को ले लो। अब की प्लेयर की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से आपको की प्लेयर में सुमान गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और अक्षरदीप सिंह दिखेंगे। वहीं बात करूंगा न्यूजीलैंड के बारे में तो डिवाइन कॉनवे, उसके बाद मेरे भाई डेरन मिचेल, ग्लेन फिलिप, उसके बाद ब्रेसल, उसके बाद लुकी फर्गुसन दिखेंगे। अब बात करूंगा प्लेइंग 11 के बारे में, तो इंडिया की तरफ से सुमान गिल जो कि 2 मैच में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है वो दिखेंगे, ईशान किशन ने भी 2 मैच में कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, राहुल त्रिपाठी ने भी 2 मैच में कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, सूर्या ने 2 मैच में बनाया 1 मैच में 47 और 1 मैच में 26, हार्दिक ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया 1 मैच में 5 और 1 मैच में 21 और 1 मैच में 15।
दीपक हुडा की बात की जाए तो एक मैच में 10 रन बनाया है, एक विकेट लिया है। बात करूं वाशिंगटन सुंदर के बारे में तो एक मैच में 50 रन बनाया हुआ है, दो विकेट लिया है, एक मैच में एक विकेट लिया है। शिवम माबी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, कुलदीप यादव ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, गविंदर चहल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और अक्षरदीप सिंह ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया हुआ है। बात करूंगा न्यूजीलैंड के बारे में तो न्यूजीलैंड की तरफ से फीन एलन दिखेंगे जो कि 35 और 11 मारा है, उसका डिवाइन कॉन में जो कि 52 और 11 मारा है, मतलब दोनों अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ओपनिंग में, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। मिडिल ऑर्डर में चैपमैन ने एक मैच में 14 मारा, एक मैच में 0। डेरन मिचेल एक मैच में 59 रन मारा, एक मैच में 8 रन। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने एक मैच में 17 मारा है। एम ब्रेसवेल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मिचेल सेंटनर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लुकी फर्गूसन है, टिकनर है, उसके बाद मेरे भाई जैकब डोफी है, उसके बाद मेरे इस सोडी है। अब बात करूंगा ड्रीम दोस्तों बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम के बारे में तो विकेट कीपर सेक्शन में डिवाइन कॉनवे को पिक कर रहा हूं, बैटिंग डिपार्टमेंट में सूर्या यादव को, डेनियल मिचेल को और ग्लेन फिलिप्स को, और मेरे भाई राहुल त्रिपाठी को और शुभमान गिल को। आपको एग्जैक्ट यही टीम बनाना है, कोई भी चेंज नहीं करना है स्मॉल लीग के लिए। फिर से बता रहा हूं बैटिंग डिपार्टमेंट में सूर्या, मिचेल, फिलिप्स, त्रिपाठी और गिल। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में आपको ब्रेसवेल को मस्ट पिक प्लेयर है, इसको लेना ही लेना है, और हार्दिक पांड्या को लेना है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको युगविंदर चहल को लेना है, लुकी फर्ग्यूसन को लेना और अक्षरदीप सिंह को लेना। मेरे भाई इस मैच में आपको कैप्टन रखना है सूर्या यादव को, वाइस कैप्टन ग्लेन फिलिप को, ग्लेन फिलिप को वाइस कैप्टन रखना है। कैप्टेंसी के लिए आप यहाँ पे इस मैच में शुभमान गिल को भी ट्राई कर सकते हो, शुभमान गिल इस मैच में आपको मेरे भाई 30 से 40 रन का अच्छा पारी खेलते देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके क्लिक कर लेना। चलिए हर महादेव, जय महाकाल।